प्यारे बच्चे, चलिए फिर से आइए हम लोग क्लास टेंथ यानी कि टेंथ क्लास के मैथ एनसीईआरटी बुक से हम लोग जहां पढ़ रहे थे, चलिए उसके आइए आगे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज का अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन को हम लोग ठीक ढंग से कर लिया है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तीसरा से लेकर छठा तक के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको सबसे पहले भाषा समझ में आना चाहिए, यानी कि ये भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न है। आपको हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि लैंग्वेज के फॉर्म में ये क्वेश्चन है, भाषा रहित है। अब इस भाषा को पढ़कर आपको एक पहले समीकरण बनाना है और उस समीकरण को प्यारे बच्चों हल करना है, जैसे कि हम लोग उसका हल करना या मूल निकालना हम लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप अपने सामने मैथ्स के बुक को खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिखने वाले हैं, आपके बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप बुक को खोल लीजिए। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना हो, 27 हो। तो सबसे पहले आप प्यारे बच्चों, आपको मानना पड़ेगा कि माना कि पहली संख्या कितना, पहली संख्या बराबर x, तो इसलिए दूसरी संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों। अगर हम बोले कि दो ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पे 5 आता है, अगर पहला वाला अगर 2 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 3, तभी ना 2 और 3 मिलके 5 होगा प्यारे बच्चों। तो हमको ये सवाल बोल रहा है कि दोनों को जोड़ने पे, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, आना चाहिए हमें 27। तो अगर हम पहले वाले को एक्स माने हैं तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 27 में से एक्स को घटा देंगे। अब ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, चलिए आप अच्छा से समझिए, एक पार्ट और दो पार्ट है। अब हम ये बोल रहे प्यारे बच्चों कि दोनों को जोड़ने से 15 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। हम यदि पहले को 4 माने तो इसको कितना होना पड़ेगा कि 15 आ जाए, तो 15 में आप 4 घटाइएगा, तो 15 में से 4 गया 11, तभी ना 11 और 4 मिलके 15 होगा। अगर मान लिया कि दोनों को जोड़ने से अगर यहाँ 15 हो रहा है, हम पहला वाले को 9 मान लिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा कि इसको और इसको जोड़कर 15 हो जाए, तो आप 15 में से पहले वाले को घटाएंगे तो कितना पता चलेगा, 6। तो यहाँ 9 और 6 लिखेंगे ताकि इसको इसको जोड़ के 15 हो जाए। उसी तरीके से प्यारे बच्चे, हमको पता नहीं था कि दो संख्या कौन कौन सा है, तो हम पहला संख्या को प्यारे बच्चों मान लिए एक्स, तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो 15 में से x को घटाएंगे यानी कि 15 माइनस x। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा था प्यारे बच्चों कि जोड़ने से कितना आना चाहिए, 27। तो पहली संख्या को अगर x माने हैं तो दूसरा कितना होगा, 27 माइनस x। समझ में आ रहा बच्चों, चलिए तब हम लोग को दूसरा संख्या पता चल गया कि पहली संख्या x है तो दूसरी को क्यों माइनस किए हैं, तो 27 माइनस x। अब जरा प्रश्न से बात कीजिए तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि दोनों संख्या को प्यारे छात्रों गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना होता है, गुणनफल लिखा हुआ है 182 हो जाता है गुणनफल, किसको किसको गुणा किया जाए। तो प्रश्न से ये बोल रहा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या को गुणा कर रहे प्यारे बच्चों तो कितना आ रहा है, 182। तो पहली संख्या कितना है प्यारे बच्चों, तो x, फिर गुना दूसरी संख्या कितना है, 27 माइनस x, को गुना करने पे प्यारे बच्चों 182 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, x को 27 से गुना करना है तो कितना बनेगा प्यारे बच्चों, 27x, और माइनस x को x के साथ गुना करना पड़ेगा तो -x² प्यारे बच्चों। अब यहां पर क्या बच रहा है, बराबर 182। हम लोग क्या करेंगे कि इधर वाले जो भी चीज है उधर ले जाएंगे, यानी माइनस को x² है उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 27x है उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 0।
लेकिन ये जब उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 27x और ये तो ऑलरेडी उधर ही है तो ऐसे हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से ऐसे लिखा जाएगा। हम लोग इतना के बराबर भी जीरो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर कितना जीरो। अब प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि इसको उस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना है 27 है, यानी कि आपको यहाँ पे x का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों गुणनखंड तो आता है तो आप इसको गुणनखंड तोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप इन चीजों को गुणनखंड तोड़ लेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो आप 182 को तोड़ना स्टार्ट कीजिए तो कितना होगा 2 से 91 बार में, फिर 7 से 13 बार में, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों का आ गया। अब इसको किसको किसको लेंगे कि जोड़ने घटाने पे 27 है, तो 7 × 14 14 और 13 लेंगे तो बिल्कुल 27 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे करना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, दोनों को इसलिए माइनस में लिए हैं क्योंकि माइनस में 13 और माइनस में 14 रहेगा तभी ना माइनस 27 होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ माइनस 13x ले लिए और माइनस 14x ले लिए, फिर प्लस 182 इक्वल टू कितना जीरो। मेरे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहां से क्या कॉमन हो रहा है, तो x बिल्कुल कॉमन हो रहा है, आप x को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे कितना बनेगा x माइनस x जब बाहर कर लिए तो कितना प्यारे बच्चों बन रहे 13, और जो ब्रैकेट में आता है उसी को हम लोग दोबारा लिखते हैं गुणनखंड करने के लिए, तो एक्स माइनस 13। प्यारे बच्चों जरा इसको देखिए तो यहाँ पे तो हमको चाहिए माइनस 14x, यहाँ तो x है तो और कितना घट रहा है माइनस 14 और घट रहा है, तो माइनस 14 लगा दिया बराबर में कितना जीरो। उसके बाद का रूल ये बोलता है कि बिना ब्रैकेट वाले को एक साथ करना है, तो बिना ब्रैकेट में ये है और बिना ब्रैकेट में ये है तो इसको एक साथ लिख दिया और ब्रैकेट वाला को एक साथ लिखना है x प्लस 13 प्यारे बच्चों जीरो। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो हम लोग बता ही हैं कि इसको जो है सॉरी यहाँ पे माइनस 13 है, हम लोग क्या लिखते हैं कि एक बार इतना बराबर जीरो और एक बार इतना बराबर जीरो, x माइनस 14 बराबर जीरो और x माइनस 13 बराबर जीरो, तो x बराबर आ जाएगा प्लस में 14, माइनस उधर जाएगा तो, और x बराबर में आ जाएगा प्लस में 13। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो पढ़ना पड़ेगा। आप बिल्कुल आपने सामने किताब रखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग प्यारे छात्रों 365 है। सबसे पहले बोल रहे हैं घनात्मक पूर्णांक संख्या दो ठो है और क्रमागत का मतलब प्यारे बच्चों होता है लगातार, क्या होता है लगातार, क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार। जैसे अगर हम बोले कि लगातार आप गिनती की संख्या को गिनो तो लगातार 2 के बाद आप क्या गिनेंगे 4, नहीं ना, आप 2 के बाद तो 3 गिनेंगे, 3 के बाद जस्ट तुरंत 4 गिनेंगे। वैसे ही बोल रहा है कि ऐसा 2 गो लगातार हमको संख्या चाहिए जिसका वर्ग करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि पहली संख्या, माना कि एक संख्या है और एक संख्या बराबर कितना x। तो प्यारे छात्रों जब हम एक संख्या को x मान लिया तो उसके आगे वाले संख्या निकालने के लिए 1 ना ऐड करेंगे क्योंकि क्रमागत बोला है और क्रमागत का मतलब ही होता है लगातार और लगातार का मतलब कितना 1 बढ़ जाना, ठीक है, और ये पूर्णांक है तो इसलिए हम लोग अगली संख्या क्या होगा, इसके अगली जो संख्या होगा वो कितना होगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि सवाल बोला कि क्रमागत, क्रमागत का मतलब इसके तुरंत बाद। चलिए अब फिर क्या बोल रहा है प्रश्न से, प्रश्न से बोल रहा है कि अब ये दोनों को जोड़ना है। भाई ऐसे नहीं जोड़ना है, इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग, वर्ग का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्क्वायर करना।
तो इसको भी वर्ग करना है और इसको भी वर्ग करना है, क्योंकि सवाल अच्छे से पढ़िए, बोला कि क्रमागत दो को होना चाहिए और इसका भी वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब इसका भी वर्ग करो और इसका भी वर्ग करो और फिर जोड़ो तो 365 आना चाहिए। प्रश्न बोला कि पहले का स्क्वायर करो, फिर जो अगली संख्या है उसकी स्क्वायर करो, तो जोड़ने के बाद 365 आना चाहिए। अब प्यारे बच्चों इसको अच्छा से तोड़ लीजिए, आप पहले इसको करिए क्या, एक्स स्क्वायर को तो आप एक्स स्क्वायर लिखिए, आपको पता है प्यारे बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे भी आप वैसे ही तोड़िए, ए की जगह पे एक्स है, बी के जगह पे वन है। ए स्क्वायर का मतलब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी का मतलब टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस बी स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर बराबर कितना प्यारे बच्चों 365। जरा अब आगे बढ़ते हैं, यहां क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक जाति का है तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर बनेगा, फिर 2x को ऐड करेंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू वन कितना 2x प्लस वन, और ये 365 उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर में जीरो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और एक बिना जात बिना एक्स वाला तो ये है, तो दोनों को एक साथ ऐड करेंगे सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का संख्या ज्यादा है क्योंकि 365 ज्यादा बड़ा है ना और एक तो छोटा है, तो 365 के आगे माइनस है तो माइनस का मान हो जाएगा और 365 में से एक गया कितना 364 बराबर में कितना जीरो। प्यारे बच्चों जैसा कि जानते हैं आप यहां से दो 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 सब में कॉमन हो रहा है तो दो जैसे कि कॉमन कर लीजिए, तो यहां कॉमन करने से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां बचेगा एक्स और माइनस यहां बचेगा 182। देख पा रहे होंगे दो इससे भी कॉमन कर लिया, इससे भी कॉमन कर लिया, इससे भी कॉमन कर लिया, तो इतना बच रहा है बराबर में प्यारे बच्चों जीरो। अब करना क्या है कि दो इधर गुना में है और इसको अगर इधर ले जाए तो भागा में हो जाएगा, तो जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं प्यारे बच्चों कितना होता है जीरो, यानी कि जब जो चीजें इधर गुना में होती है, इधर दो गुना में है तो इस दो को हम हटाना चाहे तो बाएं तरफ दाएं तरफ जाकर वो भागा में हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर जीरो बट्टा दो। प्यारे बच्चों अब इसका मतलब समझना है, बहुत कोई भी चीजें जो है ना आपको चीजों को सीखना चाहिए कि कहां पे किस किस कदम पे क्या क्या हो रहा है। जीरो में कोई भी संख्या से प्यारे बच्चों भाग दिया जाता है उसको आंसर जीरो किया जाता है, इन बातों को आप बिल्कुल सीख लीजिए। जीरो बट्टा में 1000 रहे, 1 करोड़ रहे, 10 अरब रहे, 1 लाख रहे, हमेशा कितना रहना है जीरो। जीरो में मतलब कोई संख्या से भाग देना है प्यारे बच्चों, आंसर करते हैं जीरो। अगर मान लिया कि ऊपर कोई संख्या है और नीचे में अगर जीरो से भाग करना रहेगा हमेशा अपरिभाषित होता है, यानी कि इसको अनडिफाइंड बोलते हैं और इसको सूचित करते हैं ऐसे अपरिभाषित, इसको ऐसे लिखते हैं, 8 आप ऐसे लिखते हैं ना, इसको पट करके लिखते हैं, इसको हम लोग समझते क्या है अपरिभाषित है, यानी कि उसको परिभाषित नहीं किया जाएगा। कब, जब कोई भी संख्या ऊपर रहे और उसको जीरो से डिवाइड करना रहे। प्यारे बच्चों जैसे मान लिया ऊपर 1 करोड़ है और नीचे जीरो है तो अपरिभाषित उसका मान होता है, ठीक है। हालांकि ये चीज हमें नहीं है, हमें ये चीज दिया हुआ है तो इसी चीज से हम ये चीज आपको अलग से बता दिए, तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखिएगा, आने वाले टाइम में आगे की क्लास में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो ऐसा मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में जीरो। प्यारे बच्चों अब आपको तो इसको खुद से सॉल्यूशन करना चाहिए, यानी कि ये एक द्विघात समीकरण बन गया, तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो 182 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए, तो आप 182 को तोड़िए, ऐसा तोड़ना है तो यहां हो जाएगा 91 और यहां हो जाएगा 13 सत्ते 91 यानी कि 7 गुना 13। अब प्यारे बच्चों बिल्कुल यहां पे पता चल गया कि 14 और 13
14 में से 13 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना बनेगा, एक बचेगा, तो इसलिए हम इसको 14 और 13 में तोड़ लेते हैं। तो 14 और 13 में तोड़ने के बाद कितना बचेगा जरा देखते हैं। तो यहां पे बचेगा कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से 13x को घटाएंगे तो एक वो एक्स बचेगा, और माइनस में 182 बराबर में 0। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां से x कॉमन हो रहा है तो x प्लस 14, और जो ब्रैकेट में आता है आप उसको दोबारा बार लिखिए थोड़ा सा जगह छोड़कर। अब यहाँ पे आपको क्या भरें कि माइनस 13x हो जाए, तो प्यारे बच्चों x तो दिख ही रहा है कि x यहाँ पे है, तो और क्या घट रहा है, माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पे बिना ब्रैकेट वाले को एक साथ लिखिए, और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखना है, तो ब्रैकेट में दो बार है, आप इसको लिखिए एक बार 0। तो यहां पे आप करेंगे क्या, दो पार्ट में आंसर होगा, एक्स बराबर एक्स माइनस 13 बराबर 0 और एक्स प्लस 14 बराबर 0। तो यहां पे हो जाएगा एक्स बराबर 13, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो उधर जाएगा 13, और यहां अगर एक्स बराबर है उधर जाएगा तो माइनस 14। प्यारे बच्चों अब दोनों में से किस वैल्यू को लेना है किस वैल्यू का नहीं लेना है, तो जो वैल्यू माइनस में आ रहा है, क्योंकि दोनों तो लगातार ना आना चाहिए, आप देखिए तो एक संख्या को मान्य थे x, तो 13 होगा कि माइनस 14 होगा, तो यहाँ पे 13 तो नहीं हो सकता है, सॉरी 13 हो सकता है, 14 माइनस 14 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों लगातार नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि यह क्या है, अमान्य है। इसलिए पहली संख्या तो हमको पता है, पहली संख्या बराबर कितना माने थे x, तो x के जगह 13, और दूसरी संख्या कितनी माने थे प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13 बराबर हो जाएगा 14। तो प्यारे बच्चों जो माइनस में आंसर आता है वो अमान्य उत्तर होता है, वो हमें आंसर नहीं होता है, आप जो प्लस में जो आंसर आएगा उसी का वैल्यू होता है, तो वो हो जाएगा x का मान। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 27 माइनस एक्स यानी कि 27 में से 13 को घटा देंगे तो हो जाएगा 14 आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलिए आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ले चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिखाते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब पांचवा बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो प्यारे बच्चे आप समकोण त्रिभुज तो जानते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। जब प्यारे बच्चों किसी त्रिभुज का जब एक कोण 90 डिग्री बन जाता है तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चों आपको समझना चाहिए कि जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है, और जो ऊपर की ओर होता है इसको हम लोग लंब बोलते हैं, और जो नीचे की ओर होता है प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं आधार। यानी कि इस समकोण त्रिभुज में ये वाला आधार है, ऊपर वाला लंब है और इधर वाला कर्ण है। जरा इसका नाम दे देते हैं, तो ए बी हो जाएगा आधार, और ए सी हो जाएगा लंब, और बी सी हो जाएगा कर्ण। अब जरा सवाल समझिए फिर क्या बोल रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब प्यारे बच्चों यही होता है, ऊंचाई का मतलब लंब, ठीक है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले आधार को आप मानिए कि माना कि त्रिभुज का आधार कौन त्रिभुज प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आधार कुछ रहे हमारा मतलब नहीं है, जितना भी आधार रहेगा ना प्यारे बच्चों ऊंचाई जो है उससे कितना कम रहना चाहिए, उससे 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि त्रिभुज का अगर आधार x है, समझिए बातों को, अगर त्रिभुज
समकोण त्रिभुज का आधार एक्स है तो इसलिए इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऊंचाई के बारे में बोल रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार तो x माने हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर? फिर क्या बोल रहा है, यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, यानी कि सवाल में आपको क्या दे दिया, तो आप लिखिएगा उसके नीचे दिया है कर्ण बराबर, क्या दिया है कर्ण बराबर, तो 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब यहां पे हमें कर्ण का वैल्यू दे दिया है, आधार हमको पता चल गया, ऊंचाई हमको पता चल गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं 9th क्लास में ज्यामिति में पढ़ते थे या त्रिभुज चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि आधार लंब और कर्ण में एक संबंध होता है और उस संबंध को बोलते हैं प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये सब जो आप मैथ पढ़ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो आपको मैथ में कुछ सोचना पड़ेगा, तो हम यहां पे लगाते हैं कौन सा प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय, तो यहां के बाद से ऊपर देखेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या फिर ऊंचाई का स्क्वायर। प्यारे बच्चों कर्ण का स्क्वायर यहां पे 13 है ना कर्ण, तो 13 का आप स्क्वायर रख दो बराबर, आधार कितना है प्यारे बच्चों, तो आधार का वैल्यू एक्स माने हुए हैं तो आप यहां एक्स रख दो, तो एक्स का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों लंब यानी कि ऊंचाई कितना है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर कितना 169 बराबर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो एक्स और बी के जगह पे 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर अब हम लोग को जो बन रहा है फिगर का काम नहीं है, आप बिल्कुल फिगर बना लीजिएगा, उसके नीचे जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही सब कुछ बनाइएगा। आप यहाँ 169 लिखिएगा, एक्स स्क्वायर एक जाति का है तो इसको लिखिएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14x और प्लस में 49। मेरे बच्चों हम इस 169 को उधर ले जाएंगे ताकि एक तरफ 0 बन जाए, तो यहाँ 0 बन गया, इसको उधर ले गए तो 169 कुंची में हो गया माइनस में, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169। तो अब जरा इन चीजों को अच्छा से लिखे तो क्या नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसको अगर घटाएंगे तो माइनस का वैल्यू ज्यादा है तो माइनस, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बराबर कितना बच रहा है प्यारे बच्चों 0। अब यहां से आपको देख पा रहे होंगे कि जो कॉमन सब में निकल रहा है कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में कितना प्यारे बच्चों 0, तो वैसे ही होगा। अब ये 2 जो है गुना में है और नीचे जाएगा प्यारे बच्चों, तो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2, ये 2 नीचे चला गया क्योंकि गुना में है और उधर जाता है तो भागा में हो जाता है, तो प्यारे बच्चों अब ऐसा बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। अब इसके आगे प्यारे बच्चों अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब आप खुद से आधार और ऊंचाई का मान निकाल लीजिएगा और पीछे का बुक का आंसर में मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। और उसके साथ साथ एक और काम करना है, इस ग्रुप में आपको जरूर बना के और भेजना है जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ के बाद आप x का मान निकालिएगा, याद रहे जो x का मान माइनस आएगा उसको अमान्य घोषित कर देना है, उसको आंसर लेके नहीं चलना है, जो आंसर प्लस में आएगा उसी का वैल्यू होता है और उसका वैल्यू होगा तो फिर लंबाई निकाल लीजिएगा, यानी कि आधार का नाम x माने हैं तो जो x का मान आएगा वो आधार हो जाएगा
और ऊंचाई निकाल लीजिएगा, उसमें से 7 घटा देना है। तो यहाँ के बाद आपको खुद से करना है कैसे गुणनखंड होगा और उसका बाद हम लोग कैसे काम करेंगे। और कोई हार्ड नहीं है प्यारे बच्चों, आप जरूर इसको अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि सब चीज जो है गुणनखंड पे ही आधारित है। और अभी हम लोग सीख रहे हैं द्विघात समीकरण का ये हल, हल का मतलब मूल। और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो लैंग्वेज के ऊपर है, यानी कि लैंग्वेज आपको दिया हुआ रहेगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर था, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको आप जरूर बनाइएगा, फिर अगले क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 6ठा क्वेश्चन, तेरा बच्चों बोल रहे हैं, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। अब बोल रहा है एक कुटीर उद्योग है, मतलब एक छोटा सा कंपनी है, छोटा कंपनी जो घरों में भी हम लोग लगा सकते हैं। एक कुटीर उद्योग है जो क्या करता है, काम बर्तन बनाता है। अब एक दिन में कुछ बर्तन बनाता होगा, हमको नहीं पता कि वो कय गो बनाता है, एक गो बनाता है कि 4 गो बनाता है कि 5 गो बनाता है, ठीक है। तो जब हमको नहीं पता है तो आप यहां पे मान लीजिए, माना कि एक दिन में बनाया गया बर्तन का संख्या, माना कि एक दिन में बनाया गया बर्तन का संख्या, प्यारे बच्चों कितना है संख्या, x, ठीक है। बर्तन बनाने एक दिन में कितना बर्तन बनाया जा रहा है, x। एक विशेष दिन यह देखा गया कि नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण में बर्तनों की संख्या का दुगुना से 3 अधिक है। चलिए अब बात अच्छा से समझिए प्यारे बच्चों, एक कंपनी है और उस कंपनी में बर्तन बनाया जाता है, ठीक है। अब एक दिन में कितना बर्तन बनाया जाता है हमको नहीं पता है प्यारे बच्चों, तो उसको मान लिया एक्स। फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक किसी खास दिन ये देखा गया कि बर्तन जो है दुगुना से 3 ज्यादा बन गया है, यानी कि हर दिन तो एक समाने हुए हैं, लेकिन एक विशेष दिन, एक कोई खास दिन होगा जिसमें ये देखा गया है कि उससे दुगुना से 3 ज्यादा बन गया है। यानी कि किसी विशेष दिन बनाया गया बर्तन, यानी कि किसी विशेष दिन में अगर बात किया जाए, कोई खास दिन होगा, उस दिन देखा गया कि इससे दोगुना से ज्यादा बन रहा है, यानी कि दोगुना से ज्यादा का मतलब 2x हो गया, दोगुना से 3 ज्यादा बन रहा है, तो 3 ज्यादा बना दिया, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है फिर सवाल कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, प्यारे बच्चों किस दिन, उस विशेष दिन के बारे में बात कर रहा है कि उस विशेष दिन जितना बर्तन बना उसका कुल लागत मूल्य कितना है, 90 रुपया। तो अब प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न से कुल लागत मूल्य कितना है, तो कुल लागत मूल्य 90 रुपया है, ठीक है। किसी खास दिन बनाया गया बर्तन का मूल्य ये दिया है प्यारे बच्चों, गया बर्तन का मूल्य, यानी कि ये रुपया में दिया है, ठीक है, जरा समझिए। यानी कि किसी विशेष दिन बनाया गया बर्तन का मूल्य दिया है दोगुना से 3 ज्यादा, 2x + 3 रुपया। जैसे मान लिया एक कलम का दाम अगर 5 रुपया है प्यारे बच्चों, तो 3 कलम का दाम कितना होगा, तो 3 × 5 करते हैं तो 3 × 5 = 15 होता है। उसी तरीके से एक दिन में बनाया गया बर्तन का संख्या x है, लेकिन उसका मूल्य जो है 2x + 3 है, तो बोला जा रहा है कि कुल रुपया हमको लग रहा है 90। तो हम क्या करेंगे, जब एक कलम का दाम 5 रुपया तो 3 कलम का दाम 3 × 5, उसी तरीके से कुल मूल्य 90 दिया है प्रश्न में, तो इसको और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो x × 2x + 3 = 90। इसको अगर अच्छा से करेंगे तो 2x² + 3×2 = 6x, और ये प्लस में 90 है प्यारे बच्चों, -90 = कितना आएगा, 0। अब इसको आपको सॉल्व कर 0,
अब हम 90 को इस तरीके से 90 दुना 180 को इस तरीके से तोड़े हैं कि जोड़ने घटाने पे कितना है 3, तो 15x में से 12x गया तो कितना प्यारे बच्चों बन गया 3 माइनस 90 बराबर में 0। अब जरा आप देखिए तो यहां से क्या क्या कॉमन होगा, तो सिर्फ x कॉमन होगा और तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो x, तो यहां बच रहा है 2x प्लस कितना प्यारे बच्चों 15। अब यहां पे जो ब्रैकेट आया है आप उसको लिखिए 2x प्लस 15। हमको प्यारे बच्चे यहां पे कितना चाहिए, माइनस 12x चाहिए, तो x का तो x है। अब यहां पे हमको माइनस 12 चाहिए तो माइनस 6 लेंगे तभी ना माइनस 12 होगा, 6 दुना का 12 माइनस में बराबर में कितना 0। प्यारे बच्चे हम लोग उसके बाद क्या कैसे करेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर है उसको लिख लेंगे, तो x माइनस 6 और 2x प्लस 15 बराबर कितना 0। अब इसको हम सॉल्यूशन ही कर देते हैं तो कितना बनेगा प्यारे बच्चों, एक x माइनस 6 बराबर 0 एक साइड होगा और एक साइड होगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2x और उधर जाएगा तो माइनस 15, इसलिए x बराबर 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। तो प्यारे बच्चों जो माइनस में आता है वो अमान्य हो जाता है, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो यहां से आप x का वैल्यू 6 निकाल गया, तो जब x का वैल्यू 6 निकल गया तो एक दिन में बनाया गया बर्तन संख्या कितना 6। अब एक दिन का लागत निकालने के लिए उसके नीचे लिखिएगा एक दिन का लागत कितना, तो 90 बटा में x, तो 90 में 6 से भाग कीजिएगा तो 15 × 6 = 90, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों आप ये बोल सकते हैं कि एक दिन का लागत 90 में x से भी भाग कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां भी रख सकते हैं, तो 6 दुना का 12, 12 और 3 15, तो आप कोई भी आइडिया से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर x से भाग क्यों कर रहे हैं, तो भाई मेरे आप x तो यहां माने हो ना, अब एक दिन में कुल लागत कितना लग रहा है, तो 2x प्लस 3, तो x को 2 से गुना करो तो 6 दुना का 12 और उसमें 3 जोड़ दो, तो आप कोई भी आइडिया से निकाल सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.2 का जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा हम लोगों को खत्म हो गया। प्यारे बच्चों अगर आप इन चीजों को बनाने में सच में हैं तो बार बार इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि मैथ इज अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, और जितना आप ज्यादा से ज्यादा सब प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही नॉलेज बढ़ेगा, आप उतना ही तेज होइएगा, आप उतना ही सफल होने में और आगे का प्रक्रिया आपका जारी रहेगा। तो प्यारे बच्चों आप इन चीजों में जो जो क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं गुणनखंड करने वाला में, आप बिल्कुल उसको बनाइएगा और आंसर जरूर मैच कीजिएगा और जरूर ग्रुप में भेजिएगा। तो आज के क्लास को हम यहीं तक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में मैथ के क्लास में, तब तक आपका धन्यवाद।